हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स चैनल और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से bitcoin.com वॉलेट को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, अगर आप कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडोज़ 11 है या विंडोज़ 10 है, आप किस तरह से bitcoin.com वॉलेट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, तो आपने सर्च बार में bitcoin.com को सर्च करना है। जैसे ही आप bitcoin.com को सर्च करेंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउज़र में कुछ इस तरह से आएगी। आपने सबसे पहले ऊपर यहाँ से लॉगिन करना है। जैसे आप यहाँ से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉगिन टू bitcoin.com, और यहाँ पर आपने वो ईमेल डालनी है। उस ईमेल से आपने वो ईमेल यहाँ पर टाइप करनी है जिस ईमेल पर आपने bitcoin.com वॉलेट को क्रिएट किया था। तो जैसे कि मैं यहाँ से वो ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ से मैंने कंटिन्यू विद ईमेल करूँगा। तो आपने ईमेल डालने के बाद कंटिन्यू विद ईमेल करना है। तो जो भी ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो जीमेल है, याहू है या आउटलुक है, आपने उसे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ से जीमेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से जीमेल को ओपन करूँगा। जैसे ही आप यहाँ से जीमेल या कोई भी सर्विस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी मेल ओपन हो जाएगी। जैसे मेल ओपन होगी तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक लिंक आएगा। लिंक जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का एक बटन दिया जाएगा। आपने यहाँ से लॉगिन करना है तो जो bitcoin.com वॉलेट है वो यहाँ पर लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने अपने मोबाइल में जाना है, और मोबाइल में जाने के बाद आपने bitcoin.com एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और वहाँ पर भी आपने bitcoin.com एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप bitcoin.com एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसके बाद आपने यहाँ से सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद साइन इन करना है। यहाँ से जैसे ही आप साइन करेंगे तो यहाँ पर वही ईमेल टाइप करें जो आप जो आप अपने कंप्यूटर में जिस ईमेल के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वही ईमेल डालता हूँ। वही ईमेल डालने के बाद मैं यहाँ से इसे साइन करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ से वो ईमेल डाल ली है, यहाँ से आपने नेक्स्ट एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपने जीमेल पर जाना है अपने मोबाइल में। जैसे कि मैं यहाँ से जीमेल में जाता हूँ, वही जीमेल जिस पे मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मुझे ईमेल आई है। ईमेल आने के बाद आपने भी यहाँ पर भी आपने लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ से आपने एक मरतबा अप्रूव करना है। जैसे कि यहाँ से इसको वो लिंक ओपन हो गया, यहाँ से आपने अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो मोबाइल में तो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन जो वॉलेट आपने अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में अपने ब्राउज़र में ओपन किया था वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन हो गया है। तो इस तरह से आप bitcoin.com वॉलेट को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत आसानी से लॉगिन करने के बाद से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ इंटरफेस देख लेते हैं कि किस तरह से आपको ये दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं होम बटन है, उसके बाद यहाँ से इनबॉक्स है, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, जो मेल आएगी वो आपको यहाँ पर आएगी। इसके बाद ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ से अपने जो भी एसेट वगैरह है उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है, जो भी वॉलेट है ये तकरीबन आप देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट है मेरा मोबाइल, तो यहाँ से भी आप रिसीव और बाय वगैरह कर सकते हैं। ये बाय सेल और स्वैप वगैरह ये ऑप्शन फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ये अलाउ भी नहीं करेगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे जाकर सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाकर आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, करेंसी वगैरह, नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट है, और इसके अलावा जो भी सेटिंग है वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से bitcoin.com वॉलेट को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में या किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत आसानी से लॉगिन करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।